प्रेस के सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप ही का सुझाव था एक साथी का कि जब कभी प्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर के हो तो सब्जेक्ट एक हो, क्योंकि कई बार कई सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं तो बात आधी अधूरी रह जाती है, दूसरे लोग सवाल नहीं पूछ पाते हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि जो बात मैं खुद करना चाहता था, कहना चाहता था, मैं नहीं कह पाया, कम से कम उन्होंने हमारी इसमें मदद की है। इसके लिए हम प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं जो सवाल उठाना चाहता था वो उत्तर प्रदेश में जो बच्चों की जान गई वो सवाल था, और मैंने ये कहा कि गोरखपुर से जो सूचनाएं आ रही हैं वो सूचना ऐसी है कि हजारों बच्चों की जान चली गई, हजारों बच्चों ने दम तोड़ दिया, क्योंकि आज प्रेस पहले से निश्चित थी इस सवाल पर। इससे भी बड़ा सवाल देश के सामने, हमारे सबसे देश की जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसका सवाल बड़ा है। जो हुआ वहां पर देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से लोग छिप करके आए, और बाकायदा उन्होंने अपना मुंह छिपा रखा था, तोड़फोड़ की, और बाकायदा प्लान्ड वे में कि किस हॉस्टल में कौन मिलेगा, किस हॉस्टल में कब जाना है, और फिर निकलने का रास्ता क्या होगा, उन्हें सब जानकारी थी, और उन्होंने तोड़फोड़ की। वहाँ की जो छात्र संघ की अध्यक्ष, उनको गंभीर चोटें लगीं, उसके साथ साथ कई प्रोफेसर्स, कई टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ रहा होगा, उसकी भी पिटाई की, उसको भी लाठी डंडों से, और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी जिनका नाम नज़र नहीं आ रहा है, वह हथौड़े सी दिख रही हैं लेकिन नाम नहीं पता कि उसको क्या कहेंगे, उससे तोड़ा है। तमाम वीडियोस वायरल हुए हैं, टीवी पे देखा है, और जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने जैसे ही टीवी खोला तो देखा कि योगेंद्र यादव, जो देश के माने जाने अपना विचार रखते हैं, उनके साथ भी जो धक्का मुक्की हुई, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को एक विचारधारा के लोग और एक विचारधारा के बैठे हुए वहां के लोग एक विचारधारा में ढालना चाहते हैं। मैं वो बात कहूं, उत्तर प्रदेश में तो हमने बहुत करीब से देखा, उस समय जब छात्र संघ के बच्चे शामिल हुए थे बनारस के, वहां के दो कॉलेजेस हैं, वहां के बच्चे जब छात्र संघ से जीते, उससे पहले का जो चुनाव का समय था, उस समय उसी विचारधारा के लोगों ने देखो कैसा नंगा नाच किया था। मैं वीडियो केवल एक बार दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उसी चैनल का वीडियो मुझे अवेलेबल हो पाया, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। अगर मुझे कोई और वीडियो मिला होता तो शायद मैं वो दिखा देता, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था इसलिए मैं वो दिखा रहा हूं। ये जो घटना हुई, मैं चाहता हूं कि एक बार उसको प्ले कर दें। ये भी छात्र संघ के उन पर अटैक था जो छात्र संघ के जुलूस में और छात्र संघ के चुनाव में जा रहे थे। आपने पहचान लिया होगा क्या कर रहे हैं वो लोग सड़क पर, क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या रंग इस्तेमाल कर रहे हैं, और पुलिस भी उनके साथ खड़ी है। क्या ऐसा ही नहीं जेएनयू में हुआ?
बिल्कुल प्लैंड वे में लोग गए, यहां तो मुंह खुले हुए हैं, सब दिखाई दे रहा है कौन लोग हैं, लेकिन जेएनयू में लोग दिखाई नहीं दिए, उन्होंने मुंह अपने छिपाए हुए थे, उनके हाथों में डंडे थे, यहां पत्थर और सब, पुलिस भी उनके साथ थी। और लगता यह है कि पुलिस गेट के बाहर इंतजार करती रही कि कब अंदर से सूचना आएगी, तब हम चले जाएंगे अंदर और कार्रवाई करेंगे। क्या पुलिस इसी तरह काम करती थी? क्या पुलिस ने इसी तरह एमयूए में व्यवहार रखा था? क्या इसी तरह जामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस का व्यवहार था? और फिर ये तो सड़क पे दिखाई दे रहा है, सब निश्चिन्त हैं। मैंने खुद पुलिस कप्तान से उस दिन बात की कि आखिरकार क्या हो रहा है, आपका पुलिस का एक अधिकारी भी घायल हुआ है, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, किसी को पकड़ा नहीं गया। लेकिन मुझे खुशी है कि वहां के नौजवानों ने बात को समझा, उन्होंने एक रंग में नहीं ढलने दिया, एक विशेष विचारधारा को नहीं जीतने दिया। समाजवादी छात्र सभा के बड़े पदाधिकारी वहां से जीत करके आए हैं। जेएनयू में यही सवाल है कि एबीवीपी के लोग छात्र संघ में अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, वो छात्र संघ में कब्जा करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में कब्जा करना चाहते हैं, और जहां से पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा फैला सके। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा कहां से फैलाया जा सकता है। प्रोपोगेंडा फैलेगा, उनकी विचारधारा आगे बढ़ेगी, वो पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं और अपने लोगों को कब्जा करके बैठाना चाहते हैं। और षड्यंत्र यह है कि देश की और दुनिया में जो जिसका नाम जाना जाता है यूनिवर्सिटी, वो बर्बाद हो जाए। उन्हें शिक्षा से नहीं कोई मतलब, शिक्षा का अच्छा इंतजाम हो, बेहतर इस्तेमाल हो, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में देश के गरीब छात्र जो सपना देखते हैं कि हम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो शायद हम अपना पढ़ करके मेहनत कर करके अपना सपना पूरा कर सकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि गरीब के बच्चे वहां पहुंचें, वो अपने सपने पूरे करें और समाज और देश को बनाने में अपना योगदान कर सकें। और इतने ताकतवर वहां लोग बैठे हैं, वाइस चांसलर, कि उनके सामने सचिव क्या हैं, सचिव क्या हैं, महीने दो महीने में न जाने कितने सचिवों को निकाल दिया गया वहां से, जो उस विभाग में सचिव थे, ऐसी ताकत और ऐसी हैसियत रखते हैं कि सचिव भी नहीं उस विभाग में रुक पाए, दो दो सचिवों को निकालकर बाहर कर दिया गया। और पुलिस इंतजार करती रही कि जब परमिशन मिलेगी तब जाएंगे अंदर, तब जाकर के हम कुछ कार्रवाई करेंगे। वो इंतजार इसलिए हो रहा था कि वहां संस्था में बैठे लोग जानते थे कि उन्हें निकलने में कितना वक्त लगेगा। ये सोचा समझा वेल प्लान्ड अटैक था जो यूनिवर्सिटी में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसी से भी अटैक कर सकती हो, मैंने कई बार कहा, आपसे भी कहा, उनके लिए कोई कुछ नहीं, किसी का भी कुछ नुकसान हो सकता है। ये आपने बनारस में देखा कि एक ही रंग के लोग पुलिस के साथ क्या कर रहे हैं, पुलिस उनके साथ खड़ी है। क्या यही वहां नहीं हुआ? क्या जामिया में यही नहीं बात कही गई कि कुछ लोग पुलिस के साथ कुछ अलग कपड़े पहन करके आए थे, पुलिस बन करके आए थे? तो सोचो हम किस समय पर अपना काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि जो लोग भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, सरकार की जानकारी में है, सरकार जानती है, पुलिस जानती होगी, उस पर कार्रवाई हो। और कम से कम देश जाने कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा हमला हुआ है, जिनके नाम भी आ गए हैं, आखिरकार उसके पीछे षड्यंत्र किसका था। और षड्यंत्र इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि वो इस यूनिवर्सिटी ने आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी बैठे हैं, उसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए,
तो ये जिम्मेदारी बड़ी बनती है सरकार की कि आखिरकार यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए और इस तरह का कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अब दूसरा विषय आ जाए यूपी का। अगर ये आप लोग तय कर लें, आप सब लोग बैठे हैं, आप लोग तय कर लें, ठीक है, हम तो आपके कहने से चलेंगे, क्योंकि बीजेपी की जान कहाँ है वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नहीं, वो उन्होंने पूछा, पूछ लेना, आप पहले पूछिए, आप ये। भारतीय जनता पार्टी कभी सत्य नहीं बोलती, भारतीय जनता पार्टी जनता को भटकाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, और दंगे से किसको लाभ मिलता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अगर कोई जिम्मेदार है दंगों के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की खुद सरकार है। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, वो बात मैंने उस दिन भी कही थी कि जितने लोगों की जान गई है वो पुलिस की गोली से गई है। आखिरकार सरकार चाहती तो इस आंदोलन में किसी की भी जान नहीं जाती। बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े पैमाने पर लोग निकले, लाखों संख्या में लोग निकले, यूपी में भी कई जगह हुआ, लेकिन वहां के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ का और अपने अनुभव का लाभ लिया और कहीं किसी तरह की कोई तोड़फोड़, कहीं कोई गोली झगड़ा कहीं नहीं हुआ। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में नहीं है उदाहरण क्या? तो आखिरकार उत्तर प्रदेश का मैं कह सकता हूं कि केवल अपनी सरकार बचाने के लिए, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतना कुछ किया गया है, क्योंकि अब हम और आप केवल इन्हीं सवालों में उलझे रहेंगे। जो मुख्य सवाल हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। क्या आज भी किसानों का गन्ने का बकाया नहीं है? क्या गन्ने के किसान ये चाहते थे उनका रेट बढ़े? हम समाजवादी लोग सरकार में थे, कई बार रेट बढ़ाया, क्या आज रेट बढ़ा है? आप नौजवानों को नौकरी रोजगार देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? आपके फैसलों ने नौकरियां रोजगार छीन लिए, आपके फैसलों ने दलित पिछड़े, और जो आरक्षण मिल रहा था वो भी सब छीन गया। इसलिए मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का कार्यक्रम चलाती है, चलाती रहेगी। और ये बात हम और आप क्यों बहस करें? जान तो आप में है, बीजेपी की जान आप में है। आपसे कहने का मतलब, आप तो हमारा सहयोग करते हैं, जो आपके मालिक लोग हैं उनके अंदर है जान उनकी। ये कौन है, क्यों पूछते हो ये सवाल? इसीलिए मैंने कहा जान आपके अंदर है, आप सवाल पूछिए जिससे बीजेपी जवाब ना दे पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं गोरखपुर का, जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2019 के बीच में मासूम बच्चों की मौत का काला सच हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। और इसलिए पेश करना चाहते हैं क्योंकि सरकार के लोग चिंतित थे कि कोटा में कितने बच्चों की जान चली गई। लेकिन ये बताइए, उत्तर प्रदेश का ख्याल कौन रखेगा? आपको याद होगा कि अगस्त 2017 में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में प्रशासन की लापरवाही के कारण 100 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। और जब मौत हुई थी, हम कई परिवारों से मिले थे खुद जाकर के, और उस समय भी मांग की थी कि इन बच्चों की मदद की जाए, उन गरीब परिवारों की, क्योंकि जितने बच्चों की जान गई है इसमें वो सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। और सरकार ने कोई मदद नहीं की, गलती भी नहीं स्वीकार की। अगर किसी ने मदद की थी उस समय बच्चों के परिवारों की,
तो समाजवादी पार्टी ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उनके परिवारों की मदद की थी। प्रदेश सरकार ने बच्चों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेने की बजाय मारे गए बच्चों की संख्या को कम दिखाने की कोशिश की थी उस समय भी। इतना ही नहीं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी, उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री जी थे, स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो यहां तक कहा था कि दिमागी बुखार से बच्चों का मरना कोई नई बात नहीं है, हर साल अगस्त के महीने में दिमागी बुखार से बच्चे मरते ही हैं। दिमागी बुखार से इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के मारे जाने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि इस बहस छिड़ गई थी। आप लोगों ने भी बहस छिड़ी और हर बड़े बड़े चैनल पर भी बहस छिड़ी गई थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मारे गए बच्चों के परिवारजनों को संतावना देने की बजाय, वो वीडियो सबने देखा था और कई बार चला था, और कटाक्ष करते हुए कहा था कि जो लोग बच्चे पैदा करते हैं वे लोग खुद ही अपने बच्चों की देखभाल करें, और कहा कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों की देखभाल वो कर सकेंगे। इसलिए भाजपा सरकार ने मरने वाले बच्चों की संख्या को कम दिखाने के लिए एक बहुत ही घृणित और अमानवीय षड्यंत्र रचा है, जिसे जानकर पूरी मानवता कांप उठेगी। जनवरी 2019 से लेकर के अक्टूबर 2019 तक के आंकड़े बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज में दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की वास्तविक संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या 500 से भी कम दिखाई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कागज दे दूंगा आपको, जनवरी 2019 से लेकर के अक्टूबर 2019 तक के आंकड़े बताते हैं कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की वास्तविक संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या 500 से भी कम दिखाई है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर टेस्ट होते हैं, जब बच्चे के ब्लड का टेस्ट होता है, उस समय ये जानकारी हो जाती है और लगभग डॉक्टरों को ये पता लग जाता है कि बीमारी क्या है, लेकिन जानबूझ करके उस बीमारी को नहीं बताते हैं, क्योंकि सरकार का इशारा है कि आंकड़े ठीक होने चाहिए, तो उसको दूसरा नाम देकर के एक्यूट फिब्रिल इलनेस, एक बुखार का जो दूसरा नाम है वो दे करके उस दवाई का पूरा इलाज शुरू कर देते हैं। हमारा आरोप यह है कि जांच के बाद जो दवाई मिलनी चाहिए, जिस तरह का इलाज होना चाहिए, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है, डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, और सरकार के इशारे पर, क्योंकि सरकार अपने आंकड़ों को खराब नहीं करना चाहती है। इसलिए सच्चाई हम आप जाने, देश जाने, इसलिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और जो आंकड़े उनके ही हैं, सरकारी विभाग के हैं, एक सिटिंग जज से जांच हो और सच्चाई बाहर आए कि क्या ट्रीटमेंट गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारी मांग है। और अगर आप चाहें तो, अगर हम रन करना चाहें कि जो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो आप चाहो तो मैं स्क्रीन पे जितने कहोगे उतने रन कर दूंगा, अगर आप चाहें तो, वो डिटेल अवेलेबल है, एक बार रन कर दीजिए उसको स्क्रीन पर। ये आप हट जाओ, तुम्हारी टोपी से छिप जाएंगे, इधर आ सामने आ जाओ, कुर्सी डालो यहाँ सामने, ए उनकी कुर्सी सामने डाल दो। और इसके साथ साथ, क्योंकि आंकड़े छिपा रहे हैं किस बीमारी से मर रहे हैं, क्योंकि नेताजी ने शुरू किया था, जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती थी दिमागी बुखार से या किसी बुखार से, तो नेताजी ने शुरू किया था कि उन बच्चों की मदद 25,000 रुपए की जाती थी, मरने वाले बच्चों की, और जो बच्चे विकलांग हो जाते, विकलांगता में
के कारण उनको जीवन जीना पड़ता था, उनके लिए 50,000 रुपए की मदद होती थी। फिर समाजवादी सरकार आई तो उस समय इन चीजों को बदल करके दुगना कर दिया गया कि जिन बच्चों की मृत्यु होती थी उन्हें 50,000 रुपए मिलते थे और जो विकलांगता के शिकार हो जाते थे, जो विकलांग हो जाते थे, उन्हें 1,00,000 रुपए की मदद सरकार की तरफ से होती थी, क्योंकि ये भी मदद करनी पड़ती सरकार को। तो सरकार ये चाहती, हमारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि किसी की मदद ना हो, उनके खजाने से पैसा किसी को ना मिल जाए। उनका खजाने का मतलब, क्योंकि जो जनता ने उन्हें मौका दिया है उनके पास, वो उनके पास ताकत है, पूरे हिसाब किताब की जिम्मेदारी उनकी है, वो चाहें तो मदद कर सकते हैं। इसलिए समाजवादियों ने तो अपनी तरफ से भी मदद की थी, आंकड़े छिपाए इसलिए जा रहे हैं कि सच्चाई सामने ना आए। इसलिए हमारी मांग है कि सिटिंग जज के अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बने, वो इस पूरे मामले को देखें और जो संख्या बच्चों की आई है, क्योंकि सरकार में तो हम चले गए, सरकार में तो है नहीं, हम तो सरकार से ही सवाल पूछ सकते हैं। हम तो हाई कोर्ट का भी चाहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का कर दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, माने सुप्रीम कोर्ट का हो तो और अच्छा, क्योंकि गंभीर मामला है। आप जो मैं दे रहा हूं वो उसमें से बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हुई है, और जो बात है वो ये है कि गलत दवाई दी जा रही है। हम और आप डॉक्टर नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सिटिंग जज हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, अगर उनके अंदर जांच होगी तो सच्चाई बाहर आ जाएगी और भविष्य में ऐसे गरीब बच्चों की जान नहीं जाएगी, कम से कम उत्तर प्रदेश की ये मदद हो जाएगी। कभी आप भी सरकार से पूछो कि कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया कि नाम ही बदलते रहोगे। समाजवादी सरकार ने 200 बेड का वहां इंसेफ्लाइटिस का गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में वार्ड बनाए थे, हम और आदरणीय हेमंत साहब उद्घाटन करके आए थे, और उसके बाद 500 बेड का अस्पताल दिया था, अभी भी सरकार शायद नहीं चालू कर पाई है। और हमें खुशी इस बात की कि समाजवादी सरकार ने और समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में दो दो एम्स के लिए जगह दी है, रायबरेली के एम्स उसकी भी जगह समाजवादी सरकार में उपलब्ध कराई गई, और दिल्ली से धमकी भरा खत आया था कि अगर जमीन नहीं उपलब्ध होगी गोरखपुर में तो ये एम्स उत्तर प्रदेश से किसी और प्रदेश में चला जाएगा। तो सबसे कीमती जमीन जो उस समय की अथॉरिटी की थी, जो अधिकारी नहीं देना चाहते थे, उस जमीन को हमने एम्स के लिए दिया था। और यही नहीं, जबकि जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया था वहां पर कि अगर पीएससी सीएससी में कोई परिवार अगर लेकर के आता है बच्चे को और क्या बीमारी है क्या दवाई है, तो सरकार की जानकारी में आ जाता था कि जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम था उसके माध्यम से सरकार की जानकारी में आ जाता था कि आखिरकार बच्चे कहाँ हैं, इनको रिफर कहाँ करना है। अगर इनको रिफर करना है इंसेफ्लाइटिस जो सीएससी बनी है उसके लिए, जेबडी इंसेफ्लाइटिस के लिए बनी हुई स्पेशल, उनके लिए, या मेडिकल कॉलेज में। अब आपके सामने आ गई है मेडिकल रिपोर्ट, वो आप देखिए, और पूरी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पर है, आप भी ढूंढ सकते हैं, आप हमसे अच्छी तरह ढूंढ सकते हैं, ये हम रख रहे हैं अपने पास, लेना चाहे हम सोनू को दे देंगे, कहाँ प्रिंट आउट करें, आपको हार्ड कॉपी भेज देंगे आपको, हाँ मेल करा दें। अच्छा, सब मेल वाले लोग हैं, थैंक यू सो मच। एक बार रन थ्रू कर दो एक बार पूरी, रन थ्रू फास्ट। हालांकि ये 1800 बच्चों की है जिसमें मैक्सिमम लोगों को गलत इलाज या जो भी है वो सब जांच में ही बाहर आएगा। यस, उनकी रिपोर्ट्स है, वो पूरा दिख रहा है आपको रिपोर्ट, अगर आपको जब लिस्ट मिल जाएगी तो आपको पता लग जाएगा पॉजिटिव निगेटिव किस चीज का है।
हाँ तो इसी में है, जो 2000 की लिस्ट दे रहा हूँ इसमें 1500 से ऊपर मर चुके हैं, और आपको एड्रेस फोन नंबर भी मिल जाएंगे। हमने इसलिए पार्टी के लोगों को यहाँ बैठाया कि आप भी जांच कर लो, ये भी लोग भी कुछ घरों में हो आएंगे, आप भी अपना काम करें, हम पॉलिटिकल काम करें। इसीलिए मैंने गोरखपुर के अपने जिम्मेदार कार्यकर्ता नेताओं को बुला लिया। और मुख्यमंत्री जी तो हर बार चले जाते हैं, जाते क्या हैं, क्या देखते हैं वहां जाकर के? नहीं, वो जो बात आप जानते हो वो मैं नहीं बोलना चाहता हूं। नहीं नहीं, वो जो आपकी तरफ से बात आ रही है भाई, हम तो डरते हैं, हम कैसे बोल लेंगे? हम बहुत डरते हैं भाई, ये जो पुलिस आ जाए कपड़ा बदल कर मुंह बदल करके तो हम क्या करेंगे? अरे भाई कोई रंग कुछ आ जाए घर में आ जाए, वैसे भी घर में निकाले गए थे हम कुछ दिन पहले, निकाले गए थे कि नहीं निकाले गए थे? हम और नेताजी दोनों निकाल दिए गए थे, किराए पे रह रहे थे, सिक्योरिटी हट गई, गाड़ी एम्बेसडर दे दी, खाना बनाने वाले हटा दिए। अरे सरकार का इतना छोटा दिल है, मुझे नहीं पता था। तुम्हारा चाचा है कोई के नहीं है? तुम भी नहीं रह रहे होगे अपने चाचा के संग, ये मत कहना फ्लैट में रहने आ गए हो आप भी, सच्चाई तो आप भी जानते हो। हाँ, और प्रेस के मरने पे भी हम मदद करते थे, याद है आपको? और अब कितना मिलता है बताओ आप? इसलिए जीवित रहना सब लोग, हमारी सरकार आ रही है, भगवान ऐसा ना करे कि आपके हमारे साथ किसी साथ गलत हो। नहीं, ये तो इसलिए कि थोड़ा सा आपके चेहरे पे रौनक आ जाए, और जान भी आप में ही है सरकार की, आप बचाओ, मतलब आपके मालिक लोगों के अंदर। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, मेडिकल कॉलेजेस का, या जो दवाइयां हैं कैसे समय पर गरीब को मिल जाएं? मुझे याद है जब मैं सरकार में था तो झांसी में मेडिकल कॉलेज में मैं देखने गया था, और जब मैं औचक निरीक्षक पे गया वहां पर तो देखा कि इतने गरीब बड़ी संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो इलाज के लिए लाइन में लगे थे, बैठे थे। और जब वार्डों को मैंने देखा तो वार्डों में एक एक बेड पर दो दो मरीज थे, और ये बात मैंने सैफई में भी देखी थी, क्योंकि सैफई की सुविधाएं बेहतर हैं, उस समय नेताजी ने शुरू किया, उसको आगे बढ़ाया, तो सभी तरह की दवाएं थी और कुछ योजनाएं अच्छी चल रही थी, तो उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। और जब झांसी का दे मैंने देखा तो वहां से पूछा, जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि आपको इसकी सीटें बेड बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसी समय 500 बेड का अस्पताल देकर के आए थे, 500 बड़े बेड का। नेताजी ने जालौन का शिलान्यास उद्घाटन किया, मैंने बांदा का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में काम होना शुरू हुआ था, उसको बिना भेदभाव के आगे बढ़ाया, जितना बजट उन्होंने दिया था उससे कई गुना ज्यादा हमने बजट दिया, और उस मेडिकल कॉलेज को उद्घाटन कर करके चालू किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कीम जो कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई थी, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेजेस बनाना चाहते थे, जो जिला अस्पताल थे उसमें, मुझे याद है शाहजहांपुर में आज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कारबाग, वो हमारे साथ, हम दोनों लोग गए थे, शिलान्यास किया था शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज का। उसके बाद फिरोजाबाद, अयोध्या, फैजाबाद, बहराइच, कई जगह जो जिला अस्पताल थे उनको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज के रूप में बनाने का काम हुआ था। तो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हुआ, नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हुआ। अब लखनऊ में ही देख लो, क्योंकि आप लखनऊ का अच्छी तरह समझते हैं, आप कैंसर तो बहुत बड़ी चीज है, कैंसर के बारे में मैं एक ही कहता हूं, बीजेपी वाले भी समझ लें
क्योंकि उनके बहुत से लोगों की जान गई है कैंसर से। कोई भी धर्म कैंसर का इलाज नहीं कर सकता। ये बीजेपी के लोग जो ज्यादा धार्मिक अपने आप को कहते हैं, मैं उनसे ही जानना चाहता हूं कि बताओ कौन है धर्म जो कैंसर का इलाज कर सकेगा। एक बात मैंने पहले भी कही थी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैंसर का इलाज तब होगा जब आपके पास डॉक्टर अच्छे होंगे, दवाई अच्छी होंगी, मशीनें अच्छी होंगी, इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे, तब जाकर का कैंसर का इलाज होगा। लेकिन बीजेपी के लोग सोचते हैं कि धर्म से ही कैंसर का इलाज हो जाएगा। अरे धर्म से तो सर दर्द नहीं ठीक होगा, ये तो कैंसर का इलाज है। आपने ठीक कहा कि इतनी बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनी है, और उस समय मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से कहा था कि आपसे बेहतर मैं सरकार की इंस्टीट्यूशन बना करके दिखाऊंगा। और आज भी अगर आप देख करके आएंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के जो सबसे बेहतर कैंसर इंस्टीट्यूट होंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा वो आपके लखनऊ का है। साथ ही साथ लोहिया इंस्टीट्यूट को बड़ा कर दिया, वो आज हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हो गया। अब उसमें इलाज कराने जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, समाजवादी सरकार होती तो फ्री इलाज मिल रहा होता, जैसे व्यवस्था थी वैसी ही होती। उन्होंने क्या किया, एक नाम लिख लिया वहां पर कि बस नाम लिख दो तो इससे मेडिकल कॉलेज चल जाएगा। हमें बुराई नहीं है इस बात पे कि नाम आपने किसका रखा, अरे हम तो आपसे कहते हैं कि आप अगर उनको सम्मान देना चाहते हो तो आप खुद अपना बनाइए और उस पर नाम खुदवा दीजिए, लिखवा दीजिए, लेकिन दूसरे के काम को चोरी मत करिए। ये आदत मत डालिए सरकार में, ये मत डालो उत्तर प्रदेश में आदत कि आप दूसरों का काम अपना बता रहे हो। और सुना है कि एक बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल अच्छी, हाई कोर्ट के बराबर में मैच करते हो आर्किटेक्चर जो है उसका, उसका भी सुनने में आया कि नाम कुछ और रखना चाहते हैं, वहां भी किसी की प्रतिमा लगाना चाहते हैं। अभी तो हमारे बहुत काम है, बहुत वर्षों आपको देखने में और नाम बदलने में गुजर जाएगा वक्त, तो अपना काम कब करोगे। अभी सुना है कि 12 तारीख को हम समाजवादी लोग होते तो IPL और T20 देखने को मिलता आपको, अब आप लोग जाना और भाई घिसा बेटा भाषण सुनाना 12 तारीख को, जानते होंगे आप। अरे आप लोग खेलते वहां लगता है कि कुछ खेल रहे हैं। ध्यान मत हटाइए, मेडिकल पे ही बात करिए, मेडिकल पे बात करिए। नहीं आंसर तो नहीं देंगे, कब तक नहीं देंगे आंसर, आज तक को। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप बहुत समझदार आदमी हैं तो आप जाइए पार्टी कार्यालय से बाहर निकलिए और रोड के दाएं बाएं जहां चौराहे से देखें, जिन्हें साइकिल से प्रेम है तो बताओ साइकिल के होर्डिंग लगे थे उन तक पे अपना नाम लिखवा दिया स्वच्छ भारत। कितने धोखेबाज लोग हो कि लखनऊ में साइकिल ट्रैक तोड़ रहे हो, बंद कर रहे हो और हमारी नकल कर करके वहां कर रहे हो। अरे हमसे राय ले लो कौन एक्सपर्ट अच्छा है जो अच्छा साइकिल ट्रैक बनाएगा। समाजवादियों से सीखो साइकिल कैसे चलाई जाती है और बहुत जल्दी देखोगे आप साइकिल कैसे चलती है। आप जरूर दिखाना मेरा वो जिसमें इन्होंने स्वच्छ भारत की अपना नकली पोस्टर लगाया है, मैं आज देखूंगा TV सुबह से लेकर शाम तक। वैसे मैं आपका चैनल नहीं देखता हूं, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा ये चैनल देखते हुए, किसी का चैनल नहीं देखता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि चैनल बीजेपी से हटेगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा, हमें कौन पूछेगा। कौन सी भाई, वो चाहते हैं चैनल की तरह न्यूज जो आती वही जाए तो प्राइवेट हो जाएंगे, तो वो जैसा इलाज चाहेंगे वैसा ही होगा। हम जाएंगे बुखार के लिए, वो दवाई दूसरी दे देंगे। वो अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो अब सरकार हटाइए, तुम गाय के पीछे क्यों पड़े हुए, अभी 4 दिन पहले भी गाय के पीछे पड़े हुए थे आप। या आप जाइए सरकार के पीछे पड़िए, गाय की ठीक हो जाएंगी।
देखिए इन बातों में मैं इसलिए नहीं फंसना चाहता हूँ, ना बात करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने हमने देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया है, लखनऊ की सबसे बेहतरीन मेट्रो दी है। स्टेडियम में बैठ करके देखिए तो आपको लगता होगा क्या स्टेडियम दिया है। ये जो झूठे ही दिखाया था कि नाला बंद हो गया कानपुर में, वर्णा नदी आज दिखती कि वर्णा नदी क्या है, गोमती आपको दिखती, आप टहलने जाते आपका स्वास्थ्य बेहतर होता, आप साइकिल चलाते, पुराने लखनऊ से नए लखनऊ चले जाते नीचे ही नीचे साइकिल से, वॉक करते रन करते आपकी हेल्थ अच्छी होती। बताइए सब बेकार कर दिया आप, और क्या सवाल पूछ रहे हो आप हमसे? हमारे पास कोई उसका जवाब है ही नहीं, मेरी समझ से बाहर है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जान आप में है। आप बात नहीं समझ पा रहे हो क्या? क्या मैं किस्सा बुरा बताऊं कि जान कैसे है आपके? एक पहलवान वो गांव वाली कहावत है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं। आप हमारी मदद करो, एक्सप्रेसवे पे बात करो, हमारी जान खुद बची एक्सप्रेसवे पे। आप चौधरी साहब से पूछिए, अच्छा सोचिए, एक मिनट, एक्सप्रेसवे पे मैं खुद आ रहा था, हालांकि जब एक्सप्रेसवे बन रहा था तब भी एक घटना हुई थी, एक अधिकारी की थोड़ी चोट लग गई थी, वो अलग बात है वो कैसे एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं खुद आ रहा था, हमारी गाड़ी अच्छा था कि बहुत ज़्यादा रफ्तार में नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ चलती तो ज़्यादा तेज नहीं चल सकते हो, 120-130 पे थी। लेकिन सामने से एक जानवर आ गया, गाय थी कि सांड था वो तो मैंने नहीं देखा, हम सब बच गए उसमें। अगर गाड़ियाँ बड़ी नहीं होती तो शायद हम लोगों को चोट बहुत लगती। उसके बाद मैं रुका, मैंने टोल पर वहाँ धमकाया लोगों को, कहा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, हम बच गए, मान लो किसी और आम आदमी की जान चली जाए तब, या क्या कर रहे हो? तो वो ट्रैक सूट में था, भागा भागा तब गया गाय हटाने। तो सोचिए आप किससे क्या काम करवाना चाहते हो, मुख्यमंत्री जी से क्या काम करवाना चाहते हो आप? जो उनका काम था वही करें, उसी में अच्छे लगते हैं। देखिए मैंने जब उद्घाटन किया था तो आप जान लीजिए उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी बता देता हूं। नहीं, आप भी तो लोग ऐसे हो कि मानते नहीं हो। नहीं, एक्सप्रेसवे की बात खत्म हो जाए पहले, उसके बाद चले जाना आप लोग। आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरफ मैं खड़ा था तो मैंने ये कहा था कि इस पे चल तो कितनी भी रफ्तार से चल सकते हो, लेकिन 100 से ऊपर मत चलना। लेकिन दूसरी तरफ हमारे चाचा उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें 120 से नीचे मत चलना। तो आप ही बताओ फिर हम क्या करें, तो हम मान लेते हैं। इसलिए प्रेस के देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना। अगर मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पतालों में इनकी सुविधाओं को बढ़ाओगे तो आम आदमी गरीब की मदद होगी। ये सरकार बताएगी आखिरकार क्यों नहीं वेंटिलेटर दे पा रही है सरकार, आखिरकार जो पैसा आ रहा है वो जा कहां रहा है? आपको नोटबंदी से पैसा आया, GST से पैसा आया, अभी देखिएगा डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ती हैं, अब हर चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए 6-7 महीना आपका ध्यान हटाएगी सरकार, और हो सकता है 1 साल आपको हमको ऐसे ही घुमाते रहे कि अभी डिफेंस एक्सपो हो रहा। अरे डिफेंस एक्सपो में क्या जरूरत है? मैंने आपसे क्या कहा था कि आप जो लोग बना रहे हैं कानपुर में, जो डिफेंस का काम कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव दीजिए, और बेहतर काम हो सकता है। और ये आपको करना चाहिए होमवर्क, क्योंकि जब आप सरकार से सवाल पूछें तो आप बेहतर सवाल पूछ सकते हैं। कानपुर में बड़े पैमाने पर डिफेंस की चीजें बनती हैं, जिसमें जूतों से लेकर के लेदर एसेसरी से लेकर के और बड़ी बड़ी चीजें भी बनती हैं। ये अलग बात है कि एक बार तोप बनाई उन्होंने, ट्रायल की तो फट गई, इंजीनियर मर गया, तो अब उसको कैसे अपग्रेड करें? उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह और भी है इंडस्ट्री, उसको कैसे सुविधाएं दें?
आप गुमराह करना चाहते हैं, कोई दुनिया से इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएगा आपके यहां। जब आपके यहां देखेंगे कि यहां जात पे लड़ाई होती है, जब आपके यहां देखेंगे धर्म में लड़ाई होती है, जब आपका देखेंगे कि भाई एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो पता नहीं कहां से गाय आ गई, फिर वो देखेंगे कि फ्रंट अखबार में न्यूज और फ्रंट ब्रेकिंग न्यूज आप दिखा रहे हो कि गाय को कुत्ता खा गए, हाँ वो रेडियम पहनाया जाएगा, डीएमएसपी भाग रहे हैं गाय को पकड़ने के लिए और पता लगा सांड उन्हें दौड़ा रहा है, सांड एक मंजिल पे चढ़ गया, दो मंजिल पे चढ़ गया। अरे भाई आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो तो उसके लिए माहौल तो क्रिएट करिए आप। जो जो तरक्की और खुशहाली की तरफ हम ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश को, अरे आप भी नहीं समझे, आप भी हमारी मदद कर देते थोड़ी। इसमें 1800 से ऊपर बच्चों के टेस्ट हुए हैं जिसमें कि 1500 के लगभग लोगों की जानकारी मिली है कि उनकी जान गई है दिमागी बुखार या अन्य दवाई देने की वजह से। अच्छा मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं पता, पुराना आर्काइव से वीडियो निकालिए आप, मुस्लिम भाइयों के लिए क्या कहते थे वो तो है, अवेलेबल है, आप जाइए सोशल मीडिया पे देखिए, यूट्यूब में देखिए, और कल देखिए गले लगा रहे थे। इनसे बड़ा धोखा देने वाली कोई पार्टी नहीं है, इसीलिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भटकाऊ जनता पार्टी है ये बहकाने वाली पार्टी है, गुमराह करने वाली पार्टी है। देखिए जो अखबार की रिपोर्टें मिल रही हैं या जो हमारे पार्टी के लोग पहुंचे घरों में मिल के आए, मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहले दिन से जो पीड़ित थे उनके परिवारों के संपर्क में रहे, मिले जाकर के। अभी रुक जाओ। तो ये जो आप बता रहे हो ये अन्याय हो रहा है और बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। मुझे अभी एक परिवार महाराजगंज का मिला जिसके परिवार में जिला पंचायत सदस्य था, वो प्रधान था, बहुत जिम्मेदार था, उसकी हत्या कर दी गई। और उससे पहले अभी जब परिवार मुझसे मिला तो जानकारी दे रहा था कि उसे झूठा 376 में फंसाया गया था, झूठा 376 में, याद कीजिए आप, उस पर झूठे मुकदमे लगाए थे, एक बार गोली लगी थी, अस्पताल में एडमिट था, अब जान ले ली उसकी, अब जो उसका साथी है उसकी भी जान लेने जा रहे हैं, सोचिए आप। और इसी जगह पर याद कीजिए मैंने कितनी बार प्रेस करके ये कहा था, आंदोलन हुआ उसके लिए, हमारे पूर्व सांसद के साथ झगड़ा हुआ, हमें खुद गिरफ्तार किया गया, और किस लिए कि 3 जिला पंचायत सदस्यों पर फर्जी 376 लगाया गया था, यही कहा था मैंने। और ये मैं कह रहा हूं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ और एनपीआर के खिलाफ लोग हैं, आम जनता खिलाफ है ये, भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि इसके खिलाफ आम जनता है, इसीलिए अपना पश्चाताप करने के लिए लोगों के घर जा रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है, वो अपनी गलती को मान रहे हैं, उसका पश्चाताप करने के लिए घर घर गांव गांव जा रहे हैं। आप बताइए कहां से कागज ढूंढोगे, आप में से कुछ लोग गांव के होंगे, कुछ लोग होंगे, आप बताइए कागज कहां मिलेंगे इतने, जानकारी मिली कि लोग अभी से लाइन में लग गए कागज इकट्ठा करने के लिए, ये सबसे ज्यादा गरीब का नुकसान होगा। और मैंने जानकारी की है आसाम में एनआरसी को लेकर के जितने लोग रह गए वो सब गरीब थे, सब गरीब, इसीलिए एक दिन मैंने पीछे चलवाया था ये सब गरीबों के खिलाफ फैसले कर रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा गरीब परेशान होगा, कहां ढूंढेगा कागज, कहां से इंतजाम करेगा। और फिर आपके पास आधार है, आधार के बाद आप क्या जानकारी चाहते हो जनता से, इसलिए क्योंकि आपको विकास करना नहीं है, ग्रोथ रेट आपकी है नहीं, जीडीपी दिखाई नहीं दे रही, नौकरी देख नहीं रहे, कुछ बना नहीं सकते, आप काम नहीं कर सकते। आप बताइए लखनऊ में कौन सी पुलिया बना दी बीजेपी ने, कोई पुलिया बनाई है, आप बताइए जानकारी में
कोई पुलिया बनाई हो इधर 2.5-3 साल में तो बता दो। नहीं वो तो अच्छा किया लगा दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें खुशी होगी कि उनके बगल में राम सरदास भी खड़े होंगे। अरे उनके गांव में कुछ बना देते, आप एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बना देते बटेसर में, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी बना देते, और नहीं तो कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज बना देते वहां पर, वहां जो हमने मंदिरों को सुंदरीकरण और घाट ठीक किए उसके लिए कुछ अच्छा कर देते, और बगल में ही हमारे कृष्ण भगवान का भी कुछ है वो भी ठीक कर देते आप, वहां जैन समाज का भी बहुत बड़ा स्थान है वो ठीक कर देते, सॉरीपुर बगल में हवेलियां हैं चतुर्वेदी की उनका कुछ कर देते। ये सब कपड़े से पहचानो कौन लोग हैं, रंग से पहचानिए कौन लोग हैं, ये पूरी बीजेपी सरकार है उसके पीछे, ये आपको ही नहीं पता है, जान आप में है। है अरे दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, अभी कोई हमारा फैसला नहीं है, पार्टी में राय बना लेंगे क्या राय बननी है। अभी देखिए दिल्ली के चुनाव में हम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा कर लेंगे तब फैसला लेंगे। आप हमारा साइकिल वाला दिखाइए, आप हमारा साइकिल वाला दिखाइए, बात हमसे मत भटकाइए हमें, आप देखिए किस तरीके से स्वच्छ भारत का उसमें लगाया है साइकिल वाले पे प्रचार, हमारी साइकिल छिपाई इन्होंने लेकिन मौसम ने और गर्मी ने वो उनके पोस्टर फेंक दिए हटा दिए, साइकिल दिख रही है फिर दोबारा। सरकार किसी भी आदरणीय आजम खान साहब के खिलाफ कितने मुकदमे, वो टारगेट बनाया करके जानबूझ करके परेशान करते हैं लोगों को। मैं प्रेस के अपने साथियों का धन्यवाद देता हूं और अगली बार आप बताइए उसी पे करेंगे बात। हम ये चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, तो अगली बार लॉ एंड ऑर्डर पर, क्योंकि ये चले जाएंगे, ये जो हैं जो अन्याय कर रहे हैं वो चले जाएंगे। बने ना क्या है, सवाल भुगतान का नहीं है, सवाल ये है कि गन्ने का रेट कैसे बढ़ेगा, क्या गन्ने का रेट बढ़ेगा, और जो अभी बकाया है जितना भी बकाया है वो किसानों को कब तक मिल जाएगा। अच्छा मैं प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जान आप में है। भाई निकाल ले, लीड खींच लो।